नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौड़ है और आज हम गुजरात में है, नवसारी में है, मोरदेवी गांव है जहां पर हम एलोवेरा का प्लांटेशन करवा रहे हैं। तो कुणाल जी से हमारी बात हुई थी, जो भी प्रोजेक्ट हमने फाइनल किया इनसे बातचीत करके किया था। तो कुणाल जी, आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में कैसा पता चला? ऑनलाइन सर्च किया था गुजराती ऑनलाइन सर्च करेलो तो गूगल पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली कंपनी माटे, कॉन्टेक्ट करो। तो आप गूगल पे गए, आपने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लिखा होगा, फिर वहाँ पे कंपनी का आया होगा, तो फिर कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई होगी आपसे, उन्होंने डिटेल भेजी होगी, आप ही होगी आपको, तो माहिती सही लगी आपको? सारो एक्सप्लेन करें। ठीक है, फिर प्लांटेशन आज जो हम लगा रहे हैं, तो आप जो कंपनी ने सर्विस दी कैसे लगाना है, प्लांटेशन आया ट्रक से जो आया है, काउंटिंग हुई है, अब प्लांट लगना शुरू हुआ है, लेबर को ट्रेनिंग दी गई है, तो सेटिस्फाइड हो आप उस चीज़ से? अब ये कोई नॉर्मल फार्मिंग तो है नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली मेडिसिनल और कमर्शियल फार्मिंग में आप जा रहे हो, आप यंग हो, एक एंटरप्रेन्योर की तरह आप कर रहे हो ये काम, तो क्या विजन रहा, क्या सोच रहे इसके पीछे, कि क्या कोई सोशल ऑब्जेक्टिव था, या फिर आपके एंसेस्ट्रल है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये आने वाला फ्यूचर है? एम ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, कई बीजू अलग करवाना हुआ तो इसलिए ओके फार्मिंग सिलेक्ट करी, डिफरेंट फार्मिंग करनी थी, कमर्शियल एस्पेक्ट है मेडिसिनल फार्मिंग का, तो ये आपको लगा। ठीक है, तो आज जितना भी प्रोसेस हुआ है, जितनी हमने बातचीत करी थी, वो आप उससे सेटिस्फाइड है कि कंपनी इज वर्किंग ऑन द राइट प्रोसेस, कंपनी सही तरीके से काम कर रही है? ठीक है, तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि जो फार्मिंग हम करवाते हैं, जिसमें हम सारी डिटेल्स आपको देते हैं, तो उसी प्रोसेस पे काम किया जाता है, यहाँ पर खुद सुपरवाइजर रहते हैं, सुपरवाइज किया जाता है, प्लांटेशन में असिस्ट किया जाता है। तो आप भी अगर कोई इस तरह की फार्मिंग करना चाहते हैं या डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंपनी की डिटेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब में सारा हम नीचे डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे वीडियोस के अंदर, तो आप वहां से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देंगे जो हमारे सारे किसान भाई हैं इनको बताएंगे किस तरीके से लगाना है, तो ये इसी के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले आपको 2 फीट का एक माप लेना है, मेजरमेंट, जिससे आप आगे से आगे लगा सको। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अभी ये ट्रेनिंग का है एक छोटा सा, जिससे ये फटाफट लगा पाएंगे आगे। तो इस तरीके से इसमें मिट्टी हटानी है, जितनी जड़ है उतना डीप जाएगा, ठीक है, और ये हल्के हाथ से मिट्टी, ये इस तरीके, अब ये हम आगे चलेंगे, ठीक है, ये 2 फीट हो गया हमारा, अपने आप नाप बन गया, हमने यहाँ से मिट्टी हटाई, देखिए मिट्टी में नमी है, इसलिए पानी हम 2 दिन बाद भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये कम पानी की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट, लूज नहीं रखना है, खड़ा रहना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से लगाना है, तो इस तरीके से हम छोटी सी एक पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे सारे लगाने वालों को पता चल जाए, फटाफट लगा सके, समय की बचत हो और फटाफट काम भी हो सके, ठीक है।